हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको मग्जी बनाने का बहुत ही आसान और अलग तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जोड़ में से बचा हुआ मग्जी का कपड़ा है, इसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। मैंने इसके एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें एक ट्राइंगल शेप देना है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी, ये इस तरह से बीच में आ जानी चाहिए। एकदम प्लेन कर ले कपड़े को, कोई भी सलवटे न रखे इसमें। अब एक साइड से इस कपड़े की कटिंग कर ले। इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 सिलाई से ही मग्जी लगाना बताऊंगी, 4 सिलाई हमें नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें मग्जी यूज कैसे लेनी है। अब इस मग्जी वाले कपड़े को आप डबल फोल्ड कीजिए। अब हमें मग्जी कटिंग करनी है। लगभग 2.25 इंच या 2.5 इंच चौड़ी आप ले सकते हैं। एकदम बराबर होनी चाहिए मग्जी। अब इसे यहाँ पर एक सीधी लाइन बना ले। यहाँ से मग्जी की कटिंग कर ले। अब ये जो हमने मग्जी कटिंग की है, इसे बाकी कपड़े के ऊपर रखिए और इसे नाप की और मग्जी कटिंग कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हमें इस मग्जी को जोड़ना है। देखिए, हमें मग्जी को इस तरीके से जोड़ना है कि जहाँ से हम जॉइंट करें वहाँ से मग्जी मिली हुई हो। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है वहाँ पर मग्जी मिल रही है। इस तरीके से एकदम परफेक्ट मग्जी हम जोड़ पाएंगे। जितनी भी आपने मग्जी कटिंग की है उसे आप जोड़ लें। अब हमें गुणा लेना है। जैसा आपके सूट में मैचिंग हो रहा है आप वैसा ले सकते हैं। ये जो हमने मग्जी जॉइंट की थी, इसे एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है, और एक साइड में हमें कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, वो हम बाद में फोल्ड करेंगे। अब हमने इस जो कपड़ा फोल्ड किया था, इसके ऊपर गुणे को रखना है और गुणे के एकदम बीचों बीच सिलाई लगानी है। ज़्यादा बड़ी मग्जी आपको नहीं बनानी, लगभग 1/2 इंच चौड़ी होनी चाहिए मग्जी। और मग्जी हमेशा उरेब कपड़े की ही बनाए। कपड़ा एकदम बराबर तरीके से फोल्ड करें, वरना कपड़ा बाहर की ओर आ सकता है और उसमें बेलन भी आ सकती है मग्जी में। गुणे के एकदम बीचों बीच हमें सिलाई लगानी है। एक तरफ कपड़ा आप फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा रखिएगा, और नीचे की तरफ धागा हमेशा कपड़े के अलग कलर का यूज़ में ले, मैचिंग कलर का यूज़ में ना ले, वरना गुणा लगाने में हमें आसानी नहीं होगी, परेशानी होगी। थोड़ी थोड़ी दूरी में पकड़ते हुए सारी मग्जी को बना लीजिए। अब देखिए, हमें इसे यूज़ किस तरीके से लेना है। सबसे पहले आप कुर्ती या जो भी जिसके ऊपर भी मग्जी लगा रहे हैं उसे आप रेडी कर लें। तो मैं यहाँ पर कुर्ती सिल रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले शोल्डर्स को जॉइंट करना है। चलिए, सबसे पहले हम गले पर मग्जी लगाएंगे। तो सब कुर्ती का जो पीछे वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हमें थोड़ी सी नेक की कटिंग कर लेनी होती है, और एक सेंटर में बना लेना होता है, ताकि वहाँ से हम मग्जी लगाना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने यहाँ पर सेंटर बनाया है, यहाँ से हमें मग्जी लगाना स्टार्ट करना है। ये गुणे को आप फोल्ड करें, थोड़ी सी मग्जी जो हमने सेंटर बनाया था उससे ज़्यादा रखें, और गुणे के ऊपर हमने जो सिलाई लगाई थी उसके पास पास में आप सिलाई लगाते चले। जितनी दूरी पर आप सिलाई लगाएंगे उतना बारीक या मोटा गुणा आपको मिलेगा। मग्जी को हल्का हल्का सा खींचता हुए रखें, ताकि गले पर जब मग्जी लगे तो एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ आए, कोई भी इसमें चुन्नट वगैरह ना हो। गुणा एकदम बराबर दिखना चाहिए बाहर की ओर। जितनी कुर्ती की सिलाई में फिनिशिंग अच्छी होगी उतनी कुर्ती अच्छी दिखेगी। अब हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर मग्जी को रोक दीजिए, और बाकी एक्स्ट्रा मग्जी को कटिंग कर दें। इन दोनों मग्जी को जोड़ दीजिए। एकदम अच्छे से फोल्ड कर दें, सिलाई में फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, हमें नीचे की तरफ धागा कपड़े के मैचिंग कलर का लेना है। अब कुर्ती को आप उल्टा करें,
और ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था मगजी के लिए उसे हमें फोल्ड करना है। फोल्डिंग के लिए जो हमने कपड़ा रखा था इसे आप अंदर की ओर फोल्ड कर दीजिए। और जहाँ से हमने मगजी लगाना स्टार्ट किया था वहीं से आप ऊपर की सिलाई लगाना स्टार्ट कर दीजिए। इस कपड़े को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कीजिए और एक आप सुई की मदद ले सकते हैं ताकि कपड़ा अंदर से आसानी से चला जाए। और इतनी दूरी पर आप सिलाई लगाए कि ये जो हमने कपड़ा फोल्ड कर रखा है वो अंदर की ओर चला जाए, यानी कि आसानी से दब जाए। अब एक हाथ से हमें कुर्ती को थोड़ा सा दबाते हुए रखना है ताकि जब ये कपड़ा हम फोल्ड करें तो कुर्ती अंदर की ओर ना चली जाए। हल्का सा ऐसे हाथ से सहारा देते रहे कुर्ती को ताकि वो इधर उधर ना जाए। और एक हाथ से आप सुई की मदद से कपड़े को अंदर की ओर डालते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है, हमें सिर्फ उतना ही कपड़ा अंदर की ओर डालना है जितना कि हमने एक्स्ट्रा रखा था। बराबर बराबर कपड़ा आप अंदर की ओर डालते जाएं और एक हाथ से कुर्ती को दबाते हुए भी रखें थोड़ा सा। इस तरीके से आप सुई की हेल्प ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमें सिर्फ तीन ही सिलाई लगानी पड़ी, एक मगजी बनाते वक्त और एक ये गुणा लगाते वक्त और अब ये लास्ट में फिनिशिंग की सिलाई। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी आई है। चार सिलाई के बजाय तीन सिलाई वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं यही वाली सिलाई करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये तरीका कैसा लगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप फिनिशिंग देख सकते हैं किस तरीके से आई है। देखिए कितनी दूरी पर हमें सिलाई लगानी है कि अंदर की तरफ जो कपड़ा है वो आसानी से दब जाए। अब हमें आर्म होल पर इसी तरह मगजी लगानी है। गुणे को आप फोल्ड करें और मगजी लगाना स्टार्ट करें। आर्म होल पर हमें मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, जितना आर्म होल है उतना ही मगजी रखें आप। ज़्यादा लूज रखेंगे तो आर्म होल अच्छा नहीं दिखेगा, ज़्यादा टाइट रखेंगे तो आर्म होल छोटा हो जाएगा, इसलिए आप बराबर रखें। गुणा एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं से छोटा बड़ा ना हो। अब देखिए मैं आपको चार सिलाई करके भी बता सकती हूँ। इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करना है जो हमने एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग के लिए, और इसके एक साइड में हमें सिलाई लगानी है। दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, आप खुद पता कीजिएगा कि कौन सा तरीका अच्छा लगा आपको। ये किनारे पर हमने सिलाई लगाती है। अब हमें देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कटिंग करना पड़ेगा, तो ये भी काम हमारा बढ़ गया। तीन सिलाई में हमें ये भी नहीं करना होता है। थोड़ा थोड़ा का आप कटिंग कर दे कपड़ा। अब इस कपड़े को अंदर की ओर रखे जो हमने फोल्ड किया था और इसके ऊपर की ओर एक सिलाई लगा दे। आप दोनों तरह की सिलाई करके देखिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी सिलाई ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं दोनों की फिनिशिंग एक जैसी है। इसमें हमें सिलाई भी एक ज़्यादा लगानी पड़ी और बाद में कपड़ा भी कटिंग करना होता है, इससे बेटर तो ये तीन सिलाई है। तीन सिलाई में काम हो जाता है हमारा, टाइम भी कम लगता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अंदर की ओर देखिए इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें शुरुआत में, और अब एक हाथ से जिस हाथ में सुई है उसी हाथ से हमें कुर्ती को दबाते हुए रखना है और अंदर की ओर सुई से कपड़ा एकदम प्लेन कर देना है। सुई की मदद हम इसलिए लेते हैं ताकि अंदर की ओर जो भी कपड़ा है उसमें कोई चुन्नट वगैरह ना हो। और एकदम बराबर दूरी पर आप सिलाई लगाते हुए रहें। आप सारी कुर्ती कांचली और लहंगे तीनों की सिलाई आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आर्म होल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी हुआ है। फिनिशिंग आप एक बार और देख लीजिए किस तरह की है। चार सिलाई में और तीन सिलाई में मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है, बस एक सिलाई का फर्क है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं।